हर 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 महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ बोल बम, बोल कबरिया बोल बम, हर हर महादेव। दोस्तों जय बाबा बैद्यनाथ। तो आप लोग का स्वागत है गौरव केसरी ब्लॉग पर। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ कांवर पथ पर, खड़ा हूँ मैं डुमरा बॉर्डर के पास में। तो आप लोग का पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे यात्री लोग आ रहे हैं। आज सावन का है, 11वां दिन है। तो आज आप लोग को दिखाऊंगा कैसे कांवर पथ पर चल के बम लोग आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा एंड बोल बम लिखना ना भूलिएगा। सभी की मनोकामना बाबा पूरा करेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आप लोग को पूरा दिखाता हूँ यहाँ का नजारा मैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों जय बाबा बैद्यनाथ। तो आप लोगों का स्वागत है गौरव केसरी ब्लॉग पर। तो आज मैं आप लोगों को कांवरिया पथ का अपडेट दे रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट, जो कि सावन का 11वां दिन हो चुका है। आप लोग को दिखाने वाला हूँ आज की कैसे कांवरिया पथ पर चलकर यात्री लोग आ रहे हैं। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि कांवरिया पथ पर चलकर बोलबम आना स्टार्ट हो गया। बहुत काफ़ी तनाव में बोलबम यात्री लोग आ रहा है। लाखों लाख मतलब 10 किलोमीटर लंबा लाइन लग के वो लोग को जल चढ़ाना पड़ रहा है बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा एंड जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, बोलबम भी लिखना ना भूलिएगा। सभी की मनोकामना पूरा होगा, भोलेनाथ करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी जा रहा हूँ डुमा बॉर्डर के पास में। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गया है। डुमा बॉर्डर देवघर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है और आप लोग को पूरा कांवर यात्रा दिखाऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें वगैरह लग चुका है। यहाँ पर आप लोग आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और खाने पीने का पूरा व्यवस्था यहाँ कर गया है। देख सकते हैं कांवर पथ पर चल के कैसे कांवरिया लोग आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। सुल्तानगंज से जो भी रास्ता है इधर से ही आएगा जल चढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बगल में कितना दुकानें वगैरह लग चुका है, वहाँ पर आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बॉडी मसाज ले सकते हैं, बहुत तरह का चीज़ आप लोग करवा सकते हैं। यहाँ खाने पीने नाश्ता पानी का पूरा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है और जो भी मतलब संस्था का आदमी लोग है वो लोग भी बहुत मदद कर रहा है, जल फल और उसके बाद बहुत तरह का सेवा कर रहा है यात्री लोग के लिए। सब देख सकते हैं कांवरिया लोग का आना बहुत स्टार्ट हो गया, मतलब लाखों कांवरिया सुनने में आ रहा, लाखों कांवरिया इस बार जल चढ़ाएंगे 12वें दिन में। तो देख सकते हैं कैसे भीड़ है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, बोलबम, सभी की मनोकामना पूरा होगा, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा गाइस। देख सकते हैं आप लोग का ऐसा ही अपडेट आता रहेगा मेरा वीडियो वो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे क्या होगा अपलोड मैं करूँगा वीडियो, आप लोग के पास तुरंत अपडेट आ जाए। हर हर महादेव। जैसे देख सकते हैं लोहा का एंगल लगाया गया है, इसे दिन को चलाया जाता है, यहाँ से पानी निकलता है, यात्री लोग को बहुत ठंडा महसूस हो इसलिए इसे लगाया गया है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। देख सकते हैं कांवरिया पथ का आपको पूरा अपडेट मैं दे रहा हूँ, अब बाबा मंदिर का भी अपडेट दे रहा हूँ। आप लोग पहला सोमवारी भी देख सकते हैं बाबा मंदिर में कितना भीड़ है नहीं है, और यहाँ तक आपको अपडेट दे रहा हूँ, आप लोग को अपडेट देता रहूँगा कैसा भीड़ नहीं चल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें वगैरह बहुत सारा लग चुका है। कांवर पथ पर चलकर कांवरिया लोग आना स्टार्ट हो गया। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। मतलब काफ़ी उम्र में कांवरिया लोग आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। आप लोग को मंदिर का भी अपडेट मिलेगा दूसरा दिन कि ये बम लोग आया कितना मतलब भीड़ था मंदिर में, वो भी अपडेट आप लोग को दूंगा। पहले लेटेस्ट अपडेट आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए, मैं मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। एक लाइक करके जाइएगा। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। तो चलिए आगे चलता हूँ मैं, आप लोग को आगे भी दिखाता हूँ कैसा वहाँ का तैयारी किया गया है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कबरिया बोल बम, हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। देख सकते हैं यहाँ का दुकानें वगैरह कैसे लगा गया है, पूरा आपको वीडियो में दे रहा हूँ अपडेट। यहाँ का दुकान वगैरह सब लग गया आराम से, वहाँ पर आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं डाक बम भी आना स्टार्ट हो गया है कांवर पथ पर, इसी कांवर पथ पर चलकर।
हर हर महादेव सभी की मनोकामना पूरा करेगा बाबा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कैसे कांवरिया लोग आ रहा है जल लेके, कितने दूर से मतलब पैदल यात्रा कर रहा है। 115 किलोमीटर चलने के बाद बाबा नगरी जब घुसता है कांवरिया लेके, तब वो लोग को मतलब जितना भी थका हुआ रहता वो लोग रहता है, सब थकावट दूर हो जाता है। हर हर महादेव, सब थकावट दूर हो जाता है। सुनने को आता है यहाँ पर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप लोग देख सकते हैं कि कांवर पथ पर चल कर कांवरिया लोग आना स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो का एंड तक देखिएगा, जिसमें कांवरिया लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सुल्तानगंज से बाबा को जल अर्पित करने के लिए। आज सावन का 11वां दिन है, काफी मंदिर में मतलब कांवर पथ पर काफी भीड़ है, लाखों लाखों श्रद्धालु लोग आ रहे हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए। आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, एक भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। आप लोगों को पूरा कांवर पथ का वीडियो दिखाऊंगा मैं, कैसे यहाँ का तैयारी किया गया नहीं किया गया, कैसे कांवरिया लोग कितना आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड तक एंड एक लाइक करके जाइएगा गाइस। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बम लोग से पूछते हैं कैसा आगे में व्यवस्था किया गया नहीं किया गया और कैसा लग रहा है देवर पहुंच के। चलिए आप लोग चलिए कांवर यात्रा, जो बम लोग आ रहे उन्हीं से जानते हैं कैसा वहाँ फील हो रहा है यहाँ पहुंच के देवघर बाबा नगरी में। तो चलिए देवघर पहुंच गए, कैसा लग रहा है आपको, कैसा आगे में स्वागत किया गया है, पूरा तैयारी अब बिहार में पूरा सुल्तानगंज से आप लोग जल लेके आ रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, सभी की मनोकामना पूरा होगा। चले लीजिए मेरी चली बोलिएगा, बोलिएगा। तो गाइस देख सकते हैं आज हम जानेंगे कांवरियों सबसे कि आज मतलब व्यवस्था कैसा किया गया है सरकार स्तर का, और मतलब पंडा मंडल कैसा बनाया गया है। तो वीडियो के माध्यम से बने रहे और आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए पूछते हैं कांवरियों से कुछ, हम लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।